are going to discuss very important topic from section C, scene comprehension or passage writing. You all know this topic is very important, passage writing or scene comprehension. आपको जो है पैराग्राफ देते हैं सेक्शन सी में, आपके जो टेक्स्ट बुक में से जो जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनमें से कोई भी एक पैराग्राफ देते हैं, उसमें से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और उसमें से जो है समटाइम जो ट्रू फॉल्स भी और ग्रामेटिकली भी चीज़ें पूछ लेते हैं। और आपको जो है टॉपिक जो है सही से किस चैप्टर में से पैराग्राफ दिया गया है तो ये समझना और उसको नोट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने टेक्स्ट बुक रीड किया हुआ है, लेट्स सी तो हम किस तरीके से जो है इसको जो है रीड आउट करते हैं। और सीन कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए पहले आपको जो जो टेक्स्ट बुक जो जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर को सही से रिवाइज करना होता है, फिर आपने आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक किस चैप्टर से जो है आया हुआ है। तो हम सीन कॉम्प्रिहेंशन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में 10 मार्क्स का होता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका पैटर्न क्या है, तो ये टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, कुछ टिप्स भी साथ में शेयर करते जाएंगे कि किस तरीके से इसमें जो है अच्छी जो है आपको मार्किंग जो है वो मिल सके एग्जाम में। तो इसको हम जो है कंटिन्यू करते हैं। नाउ फर्स्ट सीन कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन। The word comprehension is a noun and means understanding thing very well. Comprehension का मतलब होता है चीजों को समझना, understand करना. Its verb is to comprehend, which means to understand something and all its aspect very clearly. अब जैसे हमने पढ़ा ये noun है और साथ में जो है comprehension noun है और साथ में हमने verb भी पढ़ा comprehend, इसका मतलब होता है understand करना कोई चीज और उसके हर aspect को हर angle को समझना, उसको जो अंडरस्टैंड करना। नाउ ये हमने पहले जो है डेफिनेशन जो है द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन जो है इसकी हमने पढ़ ली, उसके बाद नेक्स्ट देखने जो है क्या बताया गया है। नाउ टिप्स टू अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशन इन एग्जाम, दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सीन कॉम्प्रिहेंशन। एक सीन कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होता है। सीन कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है आपने ये पता होता है कि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें कौन कौन से पैराग्राफ आ सकते हैं, इट मींस मतलब टेक्स्ट बुक से ही आएगा। अनसीन आपका कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं, आपको उसके बारे में कुछ आइडिया ना हो कि कहाँ से कैसे पैराग्राफ आएगा, जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो सीन कॉम्प्रिहेंशन जो इसमें एक आइडिया हो जाता है कि ये जो टेक्स्ट बुक में से चैप्टर्स जो हमारा रिकमेंडेड सिलेबस है उसी में से ही आएगा। अब रीड द पैसेज वेरी केयरफुली एंड नॉर्मली। नंबर वन जो टिप है वो ये है, आपने पैसेज को बड़ा केयरफुली पढ़ लेना है। सेकंड रीडिंग ट्राई टू फाइंड आउट द मेन आइडिया, इट इज गिवन इम्पॉर्टेंट, रिपीटेड ट्वाइस एंड थ्राइस एट लीस्ट, देन राइट दैट वन एज अ टॉपिक और टाइटल ऑफ द पैसेज। एक्चुअली जो है सेकंड रीडिंग में आपने मेन आइडिया ढूंढना होता है कि किसके बारे में डिस्कशन हो रही है, जो है टॉपिक इसका क्या हो सकता है, और जो है टाइटल ढूंढना। टाइटल एक्चुअली यहाँ पे आजकल एग्जाम में जैसे चैप्टर का पूछ लेते हैं किस चैप्टर से जो पैसेज दिया गया है। अंडरलाइन अदर इम्पॉर्टेंट आइडियाज, जो जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज हैं उसको आपने अंडरलाइन करना होता है उसको समझने के लिए। रीड क्वेश्चन एट द एंड वन बाय वन, रिलेट द क्वेश्चन विद द आइडिया एंड मार्क द नंबर ऑफ द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चंस को वन बाय वन पढ़ना होता है जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में आपसे पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन को जो आइडियाज आपने इंपॉर्टेंट आइडियाज मार्क किए होते हैं उनको रिलेट करना होता है कि ये आंसर इसका मैच हो रहा है, इसमें एडिशन करनी है, मैं क्या क्या ऐड करूं, क्या क्या वो कैप चेंज करूं। आपने वो कैप भी चेंज करनी पड़ती है, वर्ड मीनिंग आपको जो है सिंगल वर्ड जो है आपको आने चाहिए। अवॉइड वर्ब इन द टाइटल, एक्चुअली जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने नोट कर लेना, टाइटल जो है उसमें वर्ब नहीं लगा रहे, जैसे इज एम आर वॉज वर शैल विल या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसको हम यूज नहीं करते हैं। और प्रिपेयर ए रफ ड्राफ्ट ऑफ द आंसर यूजिंग सिनोनिम्स। अब देखें फाइनल शेप देते वक्त आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाना होता है जिसमें आपने एक्चुअली जो है सिनोनिम्स वगैरह जो होते हैं इंपॉर्टेंट उसको आपने याद करने पड़ते हैं और लिखने पड़ते हैं ताकि आपको सही से जो है उसकी प्रॉपरली आपकी जो है तैयारी हो जाए। तो ये जो हमने टिप्स पढ़े हैं कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प करने के लिए, सीन पैसेज अटैम्प करने के लिए, अब हमने जो जो टेक्स्ट बुक के हमारे जो जो रिलेवेंट अभी जो टर्म एग्जाम के हवाले से फर्स्ट टर्म के हवाले से जो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो रिलेवेंट सिलेबस में दिए गए हैं वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको हमने सॉल्व भी किया हुआ है। तो आप देखिएगा किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया हुआ है और आपने जो है किस तरीके से उसको जो है सॉल्व करना है। नाउ सी
पैसेज राइटिंग में सीन कॉम्प्रिहेंशन में हमने ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब आप देखें ये पैराग्राफ हमने कहाँ से दिया है और एक्चुअली जो है आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड टेक्स्ट बुक, हमने पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है, तो हम आसानी से इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैराग्राफ कहाँ से दिया गया है। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। दिस इज अ फैक्ट विच आई थिंक इवन एशिया हैज नॉट येट एडिक्वेटली रियलाइज्ड। For centuries, Asia has suffered under the insolence of the white men. I have myself seen this insolence displayed in a way that my blood boiled, and that if I had been an Asian and not an European, would have roused me to fury. This long experience of the European domination has naturally had produced a mood of resistance, and always happened in such cases there is a danger, at least fight for independence which should become the desire for conquest. ये जो है आपने आइडिया हो गया होगा कि ये किस चैप्टर का दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ये रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट बाय बर्टन रसल, बर्टन रसल ने जो लिखा है चैप्टर, जो रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट चैप्टर है, जो है हमारा सेकंड चैप्टर है हमारे टेक्स्ट बुक का, उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है। इसमें एक्चुअली जो है ये पॉइंट डिस्कस किया गया है कि ये एशियन जो है उनको ये रियलाइज हो गया होगा कि उन्होंने जो है जैसे सदियों से जैसे गुलामी करते हुए आ रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द व्हाइट मैन, और कह रहे हैं एज ए यूरोपियन और मेरा ये जैसे ब्लड बॉयल होता है, जैसे खून उबलता है जब मैं सुनता हूँ या देखता हूँ कि काश मैं एशियन होता और जो मेरा ताल्लुक यूरोपियन ममालिक से नहीं होता, और मुझे जो है इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि ये जो यूरोपियन डोमिनेशन है द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग या डिजायर फॉर कॉन्केस्ट है ये बिल्कुल गलत है, और इट नेचुरली प्रोड्यूस अ मूड ऑफ रेजिस्टेंस और ऑलवेज हैपन इन सच ए केस देयर इज अ डेंजर रीच द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस विल बिकम द डिजायर फॉर कॉन्केस्ट। ये जो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज का हमेशा से यही रहा है कि ये डोमिनेंसी और जैसे किसी डिजायर फॉर कॉन्केस्ट और जो दूसरे जो है जैसे कब्जा करना जो है, तो ये चीज़ें जो है स्टार्टिंग से ही जैसे जो है उनकी एक डिजायर फॉर कॉन्केस्ट रही है, तो ये बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में नहीं है। बर्टन रसल और एशियन कंट्री को जो उनकी फेवर कर रहा है कि काश में एशियन होता और यूरोपियन कंट्री से मेरा ताल्लुक नहीं होता। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें आपको याद होगा द अल्टरनेशन ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, मशरक और मगरब के बीच में जो ताकत की तब्दीली है ये लास्ट 2000 ईयर से ये चलती हुई आ रही है, और उसके बाद हमने ये डिटेल्स में पढ़ा था, तो उसको आगे हम अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है, डिटेल में हम उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है। नाउ सी गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पहले इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडरलाइन वर्ड्स की मीनिंग लिखें, जैसे देखिए इंसोलेंस का मतलब डिसरिस्पेक्ट होता है, किसी की रिस्पेक्ट ना करना, फ्यूरी का मतलब वायलेंट एंगर या गुस्सा होना, इस तरीके से आपने मीनिंग लिखनी होती है एग्जाम में कॉलम बना के। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस या रुकावट को बोलते हैं, किसी चीज़ में जो है हिंड्रेंस होना, ऑब्स्टेकल होना, रुकावटें होना, उसको हम जो है रेजिस्टेंस का वर्ड देते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रियलाइज इंसोलेंस एंड एडिक्वेटली। ये जो कभी कभार ये भी आपसे पूछ लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो है, जब ये पैराग्राफ में वर्ड दिए जाते हैं तो आपने पार्ट ऑफ स्पीच यू ऑल नो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें से सेंटेंस में से आपने पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना होता है। जैसे रियलाइज वर्ड है ईडी समवन वर्ब के तौर पे यूज किया गया, इंसोलेंस एज ए नाउन एंड एडिक्वेटली एज ए एडवर्ब, ये आपने पैराग्राफ में से एक वर्ड को डिफरेंट हम पैटर्न पे, जैसे एक वर्ड वर्ब भी बन सकता है एडजेक्टिव भी बन सकता है उसको जो है नाउन भी बन सकता है, तो उसको आपने प्रॉपरली सेंटेंस को देख के आपने शो करना है कि ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव है एडवर्ब है नाउन है या प्रोनाउन है, जो आपने सही से नोट करना है उसके। अभी हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द ग्रामेटिकल क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है ग्रामेटिकल क्वेश्चन पे इतनी मार्क्स नहीं होती हैं जितनी इन क्वेश्चन आंसर पे होती हैं। अभी पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड द ऑथर ब्लड बॉयल। द ऑथर हैड वॉच्ड नोटिस द इंसोलेंस डिस्प्लेड बाय द व्हाइट मैन एंड द पीपल ऑफ एशिया। दिस रूड एटीट्यूड ऑफ इंग्लिश रूलर ऑन एशिया मेड द बर्टन रसल ब्लड बॉयल बिकॉज ऑफ द रूड एटीट्यूड ऑफ द इंग्लिश व्हाइट मैन ऑन एशिया। ये देख के बर्टन रसल कहता है कि काश में जो है वो मेरा ताल्लुक एशियन ममालिक से होता ना कि यूरोपियन ममालिक से, तो मैं अपने आप को जो कुछ नसीब समझता। नाउ व्हाई इज देयर अ डेंजर ऑफ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये देखें अपनी आज़ादी बरकरार रखना भी जो है, जो ममालिक जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनके ये इवन आज़ादी बरकरार रखना भी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लव ऑफ पावर ओवर ह्यूमन बींग और डिजायर फॉर कॉन्केस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। ये जो उनकी ख्वाहिश होती है
مغرب ممالک جیسے جو غریب ممالک ہوتے ہیں ان کے اوپر جیسے جو ہے ان کے اوپر قبضہ کرنا جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے پاور نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے ان ممالک کے لیے ایون جو ہے آزادی ان کو برقرار رکھنا بھی آگے جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہے بہت مشکل ہو جائے گی بیکاز آف دا ڈومینیشن آف دا ویسٹرن کنٹریز اور یہ جو شو آف پاور ہے ویکر سائڈ آف دا سوسائٹی کے اوپر جو ویکر سائڈ آف دا سوسائٹی جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے مشینری نہیں ہے تو ان کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا ایون اپنی آزادی برقرار رکھنا ان دس ماڈرن ایج. تو یہ جو ہم نے کوشچن آنسر ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ریفلیکشن آن دا ریئر اوپننگ ایج جب ہم نے چیپٹر پڑھا تھا تو جس میں ہم نے یہ نوٹ ڈاؤن کیا تھا کہ الٹرنیشن آف پاور بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ اور مشرق اور مغرب کے بیچ میں یہ جو طاقت کی تبدیلی ہے یہ جو ہے 2000 سالوں سے چلتی آ رہی ہے. ناؤ سی یہ جو ہم نے جب کوشچنس پڑھ لیے اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ویری امپورٹنٹ پیراگراف. لیٹ سی یہ پیراگراف کہاں سے جو ہے اس میں دیا گیا ہے. آپ دیکھیں یہ جو پیراگراف ہے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کہاں سے دیا گیا ہے. اس کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں پہلے جو ہے. سم ٹائم ان ڈیڈ دا نیبر تھاٹ اٹ واز اسٹرینج دیٹ دا رچ ملر نیبر گیو لٹل ہینس اینی تھنگ ان ریٹرن دو ہی ہیڈ 100 سیکا فلور اسٹورڈ اوے ان ہز مل اینڈ 6 ملک کاؤز اینڈ لارج فلوک آف وولی شیپ بٹ ہینس نیور ٹربل ہز ہیڈ اباؤٹ دوز تھنگس اینڈ نتھنگ گیو ہم گریٹ پلیئر دین ٹو لسن آل ونڈرفل تھنگ ٹو دا مل یوز ٹو سے اباؤٹ دا انسیلفشنیس آف ٹرو فرینڈ شپ. یہ جو پیراگراف ہے یو آل نو یہ جو ہے ڈیووٹیڈ فرینڈ چیپٹر سے لیا گیا ہے. ڈیووٹیڈ فرینڈ از ریٹن بائی آسکر وائلڈ جس میں ہم نے پڑھا ایک فیری ٹیل ایک اسٹوری ہے جس میں دو فرینڈ ہوتے ہیں لٹل ہینس اینڈ ملر. لٹل ہینس واز دا پوئر مین اینڈ دا ملر جو ہوتا ہے وہ رچ ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں جو ون سائڈیڈ فرینڈ شپ کے اوپر پوری اسٹوری ہے جو آپ نے ڈیٹیلس میں پڑھی ہوئی ہے اس میں سے یہ پیراگراف دیا گیا ہے. اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ناسی اس میں جو کوشچن آنسر کس طریقے سے پوچھے گئے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے. آئیڈینٹیفائی دا ٹائٹل اینڈ رائٹر آف دا ابا پیسج. دا پیسج ہیز بین ٹیکن فرام لیسن ڈیووٹیڈ فرینڈ بائی آسکر وائلڈ. یہ آپ کو پتا ہے ڈیووٹیڈ فرینڈ آسکر وائلڈ نے لکھا ہے. یہ ایک فیری ٹیل ہے جس میں دو فرینڈ ہوتے ہیں لٹل ہینس اینڈ ملر. ون سائڈیڈ فرینڈ شپ آف لٹل ہینس اینڈ ملر. دس اسٹوری از نیریٹڈ بائی لینٹ ٹو واٹرڈ. یہ آپ نے اسٹوری پڑھی ہوئی ہے. اب اس میں دیکھیں کس طریقے سے کوشچن پوچھے جا رہے ہیں. اسٹیٹ ویدر ایچ آف دا اسٹیٹمنٹ بلوز ٹرو اور فالس. ٹرو فالس اسٹیٹمنٹ بھی پوچھتے ہیں سم ٹائم آپ سے. جیسے ملر واز این ایلوکوئنٹ اسپیکر. ٹرو ٹرو کس لیے لکھا ہے ہم نے؟ بیکاز آپ کو پتا تھا ملر واز مین آف ورڈس ناٹ مین آف ایکشن. جب جو ہے ملر بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور جو ہے امپلیمنٹ اس کے اوپر کچھ نہیں کرتا تھا اور ملر کے پاس جو ہے ان کے پاس اپنی ملک کاؤز تھیں اور ہی واز اے رچ مین. بٹ وہ لٹل ہینس کو جو ہے فرینڈ شپ کے بارے میں اچھی اچھی باتیں اور بتاتا تھا اور جو ہے ان کے بدلے میں انہیں کچھ نہیں دیتا تھا. جیسے آپ نے کوٹیشن اس میں پڑھے ہوئے تھے جیسے کوٹیشن تھے جیسے ریئل فرینڈ شوڈ ہیو ایوری تھنگ ان کامن ملر کہتا تھا. ملر نے کہا وین دا پیپل آر ان ٹرابل دے شوڈ بی لیفٹ الون ناٹ بی بودرڈ بائی دا وزٹرس. اور جیسے ملر کہتا تھا آئیڈلنیس از اے گریٹ سن. یہ سارے جو کوٹیشن ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملر جو ہے سیلفش پرسن تھا اور لٹل ہینس جو تھا پوئر تھا اور انوسنٹ تھا بٹ وہ کافی ڈیووٹیڈ تھا. وہ اپنے فلاور سیل کرتا تھا اور اسی سے ان کا گزر سفر ہوتا تھا. سیکنڈ دیکھیں بی جو ہے دا ہینس گیو ملر فیور بٹ ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ اے ریٹرن. یہ فالس ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ بیکاز ہینس آپ کو بتایا ایک بار جب ونٹر سیزن تھا ان کے پاس فلاور نہیں ہوئے تھے گارڈن میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے تو اس نے اپنے ہی سولڈ دا سلور بٹن اینڈ دا کوٹ اینڈ باقی جو ویل بیرو وہ سب بیچ دیتا ہے اور اپنے جیسے کچھ نٹ اور کچھ فروٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ گزر سفر کرتا ہے. تو ملر جو ان کی وزٹ کرنے نہیں جاتا. انڈرسٹینڈ ملر یہ کہتا ہے وین پیپل آر ان ٹربل دے شوڈ بی لیفٹ الون اینڈ ناٹ بی بودرڈ بائی دا وزٹرس. تو لٹل ہینس ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کا فرینڈ ان کی ہیلپ کرے بٹ ملر جو ہے کوئی رسپانس نہیں دیتا. دا ملر پریکٹس واٹ ہی پریچڈ. False. The reason is that Miller جو ہے صرف باتیں کرتا تھا اور کی کوئی پریکٹس نہیں ہوتی تھی. Hence was a true friend.
अब मतलब इससे पहले हमने सर ये पढ़े, जैसे मिलर सब क्या करता था, ओनली एक किस्म की उनकी जो है बातें ही होती थी, और जो है जो कुछ कहता था उसके ऊपर अमल नहीं करता था, और जो है अपने मतलब अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बनाना, और मिलर को जो है इस तरह की चीज़ें अपने फ्रेंड को जस्ट वो अच्छी अच्छी जैसे बातें सुनाता था, और इसके बदले में कोई जो है चीज़ जैसे उनकी हेल्प करना या कुछ नहीं करता था। हैंड्स वॉज अ ट्रू फ्रेंड, ये ट्रू है बिकॉज हैंड्स डिवोटेड था, सिंसियर था लिटिल हैंड्स के लिए। इवन एंड में आपने स्टोरी पढ़ी जब वो मिलर जो होता है उनको कहता है कि उनका बेटा सीढ़ियों से गिर गया और जख्मी हो गया है, तो जब वो डॉक्टर को लेने जाता है लिटिल हैंड्स, तो इवन उनकी जान चली जाती है और वो मतलब डूब जाता है पानी में जब वो ही लॉस्ट हिज वे, और इवन मिलर इतना सेल्फिश होता है तो उनको लैंटर्न भी नहीं देता है, तो इस वजह से जो उनकी लिटिल हैंड्स की एंड में डेथ भी हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि मिलर जो होता है ही वॉज वेरी सेल्फिश पर्सन एंड सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेल्फिशनेस एज यू हैव सीन लास्ट में जब वो लैंटर्न देने से मना कर देता है। तो उसके बाद देखें ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, ये इस तरह से वर्ड दिए होते हैं। अब हमने जैसे पैराग्राफ पढ़ा उसमें हमने पढ़ा ये समटाइम जैसे एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव 100 एंड ट्रम्बल्ड वर्ब है, ट्रू वर्ड एडजेक्टिव है, ये आपने जो है पार्ट ऑफ स्पीच जैसे 0.55 मार्क्स के होते हैं, ये आपने पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करनी होती है फ्रॉम द पैराग्राफ, अपने पैराग्राफ पढ़ के अंदाजा लगाना होता है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसका क्या होगा। इसी तरह हम जो है मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है इसमें एक और पैराग्राफ इम्पोर्टेंट हम जो है पढ़ लेते हैं। नाउ सी इट इज नेसेसरी टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। द पावर ऑफ इंग्लैंड इन अर्ली 19th सेंचुरी वॉज बेस्ड अपॉन वर्चुअल मोनोपोली ऑफ मशीन प्रोडक्शन, एंड पावर ऑफ रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट इन द प्रेजेंट डे इज ड्यू टू द सुप्रीमेसी इन दिस रिस्पेक्ट। It is useless to talk against mechanization because it is the source of power and because you lag behind have difficulty in preserving independence. ये पैराग्राफ उसी चैप्टर से लिया गया, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट बाय बर्टन रसल। ये बर्टन रसल जो सेकंड चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पैराग्राफ सिद्धम में आते रहते हैं, जो सेक्शन सी में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये जो पैराग्राफ है ये भी रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट बाय बर्टन रसल, उसी में से ये पैराग्राफ लिया गया है। आप पैराग्राफ में देख सकते हैं जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में कह रहे हैं कि जैसे जो इंग्लैंड रशिया और जो अमेरिका है इन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से तरक्की की है बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ पावर, और यही सुपरमेसी जो है इनकी एनी फील्ड में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज मैकेनिकल पावर इसी की वजह से जो है उन्होंने तरक्की की है। इट इज़ यूजलेस टू टॉक अगेंस्ट मैकेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ पावर एंड दोज कंट्री लेग बिहाइंड इन द मैकेनिकल पावर इंडस्ट्रियलिज्म, इवन उनकी आज़ादी बरकरार रखना भी जो है मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि ये जो है सोर्स ऑफ पावर है और इसी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और जो है तरक्की कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो ये जो पैराग्राफ है रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट बाय बर्टरन रसेल इस सेकंड चैप्टर में से लिया गया है, इसको हम आगे पढ़ लेते हैं। नाउ सी इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्डिंग चेंज की गई है। व्हाट आर द थिंग यार व्हिच सुप्रीमेसी ऑफ वेस्ट इज बेस्ड, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो वेस्ट जो है उनकी सुपरमेसी या डोमिनेंसी जो है शो होती है। यू ऑल नो ऑन इंडस्ट्रियलिज्म मोनोपोली ऑफ मशीन प्रोडक्शन एंड पावर ऑफ यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक, दैट इज द कल्चर, दैट इज द वेस्टर्न कल्चर। यू ऑल नो दैट इंडस्ट्रियलिज्म साइंटिफिक टेक्निक्स और पावर, और ये जो है न्यू जैसे आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपन्स और ये सब जो है वेस्टर्न कल्चर में जैसे चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन साइंटिफिक टेक्निक वेपन्स ये सब इंक्लूडेड है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑथर कंसीडर्ड यूज दिस टू टॉक अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलिज्म, ऑथर क्यों राइटर कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की करना नामुमकिन है। Because it is the source of power and progress, it is responsible for the production of the industrial goods and development of economy of the nation. You all know कि यही industries होती हैं जिसकी वजह से आपकी economy boost up होती है, like it play like a role of barometer. जैसे आपकी economy boost up होती है और आप तरक्की करते हैं किसी भी ममालिक को जो है modern
एज में तरक्की करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी, इसके बगैर जो है आप तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो इट इज़ द सोर्स ऑफ मैन पावर एंड प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड फॉर द बूस्ट अप ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. नेक्स्ट देखें इसमें किस तरीके से वर्ड मीनिंग जो पूछी गई है. रिग्रेटेबल, मॉर्नफुल, जिस चीज़ के ऊपर हमें पछता हो जिसको हम बोलते हैं. सर्वाइवल, यू ऑन द स्टेट टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और लिव. अपनी जैसे कंट्रीज को सर्वाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसके साथ न्यूक्लियर वेपन्स और उसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीज़ें जो है जो सोर्स ऑफ पावर है और जो है लाजमी है सर्वाइवल के लिए. सुपरमेसी, द डोमिनेंसी और अ पावरफुल पोजिशन, जिसे हम सुपरमेसी कहते हैं, जिसे डोमिनेंसी कहते हैं, बर्तरी हासिल होना. जैसे लाइक द एज वी हैव स्टडीड दैट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड द USA, द रशिया एंड इंग्लैंड वर मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट द फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलिज्म. नाउ आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. ये जो वर्ड मैनी, नेसेसरी, हु, मैनी वर्ड एडजेक्टिव है, इसमें जैसे नेसेसरी एडजेक्टिव है एंड हु प्रोनाउन है. ये एक्चुअली वर्ड जो हम पैराग्राफ में जिस तरीके से पढ़ते हैं तो हमें सॉर्ट आउट करने होते हैं कि ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या नाउन है. उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है हमारा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है. ये पैराग्राफ हम रीड आउट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है किस चैप्टर से दिया गया है. From the first term examination, we have included syllabus. So from the syllabus, we have given these important paragraphs. So these paragraphs are also important for the first term and from the board examination point of view. And we will discuss this paragraph. Now see, liberty doesn't depend on the people. A people must raise themselves to it. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign domination is an outworn idea. It is not merely government that should be free, but people themselves should be free, and not freedom as a real value for common man or woman, unless it also means freedom from want, freedom from disease, and freedom from ignorance. Now see, that is the real meaning of the freedom. अब ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है स्टूडेंट आप समझ गए होंगे. एक्चुअली दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड स्पीच बाय लियाकत अली खान. यू ऑल नो लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. व्हेन ही विजिटेड कैनसास यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इन 1950, ही डिलीवर्ड 1.5 आवर स्पीच विदाउट लुकिंग एट एनी पेपर. और उन्होंने रीजंस बताए थे हाउ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एंड ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन फेस बाय पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस. और उन्होंने जो है वहाँ पे वो अमेरिका के साथ जैसे उनको जब वो एक एजाजी डिग्री देने वाले थे उनको, तो लियाकत अली खान ने कहा कि हमने किन मुश्किलात से जो अपना वतन हासिल किया और हमें जो कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी और वहाँ पे उन्होंने डिस्कशंस की जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने 1947 में. तो उसके बाद जो है जब वो कैनसास यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे जो है कैनसास यूनिवर्सिटी जाते हैं जब वो अमेरिका में, तो वहाँ पे उन्होंने वो सारी चीज़ें डिस्कशंस की वहाँ पे कि किस तरीके से हमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमें किस तरीके से हमने आज़ादी हासिल की. उन्होंने और ये जो लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी एक्चुअली फ्रीडम को बोलते हैं. अब इसमें देखें क्या बताया गया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहले इस पैराग्राफ को मैं आपको समझा दूँ. कह रहे हैं कि आज़ादी जो है लोगों के ऊपर बरसती नहीं है, लोगों को मेहनत करके अपने आप को वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है. ये फ्रूट की तरह है, फल की तरह है, पहले इसको हमें अर्न करना पड़ता है, फिर हम उसको लुत्फ़अंदोज़ उससे हो सकते हैं. मतलब आज़ादी को पहले हमें जो अर्न करना पड़ेगा, फिर हम उस लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं. कह रहे हैं हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना ही हमारे लिए इनफ नहीं है, हमारे जैसे खुद की जैसे जो हम अपना सेपरेट कंट्री होना चाहिए, गवर्नमेंट फ्री होनी चाहिए. और कह रहे हैं अगर हम अपने मुल्क में आज़ादी से नहीं रहेंगे तो फिर जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में रहेंगे वो भी अपने आप को सेफ नहीं समझेंगे. रियल सेंस में जो आज़ादी है, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्ड, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस. आपको अपनी एजुकेशन, आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, आपकी जो है वांट्स, ज़रूरियात और एज, आपकी जो तालीम अच्छी मिल रही है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, डिजीज़ और इन चीज़ों का इलाज हो रहा है, तो इट मीन्स यू आर फ्री और आपको जो है फ्रीडम है, यू आर फ्री. तो ये लियाकत अली खान का जैसे जो स्पीच है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान,
Johann Lagarde Khan visited Cancer Ministry America in 1950. तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है तो लियाकत अली खान जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने ये स्पीच की थी. अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं. आइडेंटिफाई द टेक्स्ट एंड द राइटर. यू ऑल नो पैसेज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड स्पीच बाय लियाकत अली खान. दिस इज अ स्पीच ऑफ लियाकत अली खान. एज आई टोल्ड यू 1.5 hour स्पीच बाय लियाकत अली खान विदाउट लुकिंग एट एनी पेपर. नाउ एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड एंड अंडरलाइन जैसे वर्ड्स जो है. नाउ सी इसमें हमने पढ़ा ये जो लाइंस हमने पढ़ी थी लिबर्टी की जो हमने लाइंस रीड कर रहे थे कि इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट दैट मस्ट बी अर्नड बिफोर इट कैन बी एंजॉयड. इस अंडरलाइन को हमने एक्सप्लेन करना है. तो लिबर्टी या फ्रीडम इज नॉट हेवनली ब्लेसिंग. वी हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू अचीव द लिबर्टी. सीजलेस एंडियोवर रिक्वायर्ड फॉर इट. मतलब सीजलेस एंडियोवर कहते हैं ना खत्म होने वाली जिद्दोजहद. हमें कोशिश करनी पड़ेगी इसको हासिल करने के लिए. आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है जो है हमें उसको पहले जो दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है फिर हम उसको अचीव कर सकते हैं अर्न कर सकते हैं उससे हम लुत्फानंदोज हो सकते हैं. वॉट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर द ऑथर. एज यू ऑल नो वी हैव डिस्कस फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट डिजीज एंड इग्नोरेंस. That is the real meaning of freedom by Liaquat Ali Khan. And Liaquat Ali Khan ने ये भी कहा था कि हमें सिर्फ फॉरन डोमिनेशन या अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करना हमारे लिए जस्ट ऐसे ही है मेरली अ चेंज ऑफ मास्टर्स. तो हमें जो है उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको फिट वॉन्ट डिजीज इग्नोरेंस इन चीज़ों से आज़ादी होगी तभी वो अपने आप को जो है आज़ाद कहलाएंगे. और तो ये सारी चीज़ें Liaquat Ali Khan ने इसमें जो है डिस्कस की है. उसके बाद देखें आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. डोमिनेशन आउटवर्ड लिबर्टी एंड ये जो अल्फाज हैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच हमने बताने हैं. डोमिनेशन इसमें नाउन है और ये आउटवर्ड एडजेक्टिव है. लिबर्टी नाउन है और अर्न जो है ये वर्ब है. अमूमन ईडी जैसे वर्ब के तौर पर ज़्यादा यूज होता है बट ये आपने पैराग्राफ को देख के आपने उसमें से वर्ड सॉर्ट आउट करने होते हैं सॉल्व करने होते हैं कि किस तरह कैसे पैराग्राफ में से ये जो अल्फाज जो है दिए गए हैं. सो डियर स्टूडेंट वी हैव डिस्कस डिफरेंट पैराग्राफ टिप्स फॉर पैसेज राइटिंग. हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर. हाउ टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चन एंड ग्रामेटिकल पोर्शन नाउन प्रोनाउन वर्ब और डिफरेंट वर्ड मीनिंग. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको जो मैंने पैराग्राफ बताए हैं रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग इस चैप्टर के हो गए पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के हो गए. तो ये सारे पैराग्राफ जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं. इसमें से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन माइट बी चेंज. पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसी में से ज़्यादातर देते हैं. और भी पैराग्राफ हमने जो है प्रैक्टिस करने हैं और हम करते रहेंगे. एग्जाम में से कोई भी दे सकते हैं. तो ये जो डिफरेंट चैप्टर्स हमने पढ़े हैं जिसमें इंक्लूड किए हैं पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट बाय बर्ट्रंड रसेल. और हमने जो थर्ड पैराग्राफ हमने इसमें से इंपॉर्टेंट जैसे कुछ और रखे थे डिवोटेड फ्रेंड का भी पैराग्राफ हमने रीड किया जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है जो फेरी टेल है. तो इनके बारे में जिस तरीके से पैटर्न है कि टाइटल वगैरह जो जिस तरीके से देते हैं चैप्टर में आपको ऑलरेडी नाम बताना होता है उसमें आपको पता है कि वर्ब इंक्लूडेड नहीं होता है. तो ये पैराग्राफ में से कंप्लीट मार्किंग आपको तब मिलेगी जब आप जो है एज इट इज़ वर्डिंग नहीं लिखनी होती है उसमें आपसे वो कैप चेंज करनी पड़ती है और आपको सोच समझ के रफ ड्राफ्टिंग करके जो जो क्वेश्चंस की जो जिस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं उसको वर्ड को रिलेट करके आपने पैराग्राफ को सही से समझ के फिर उसके जो आंसर लिखने होते हैं. तो ये सारे पैराग्राफ जो हैं आपको पता है सीन कॉम्प्रिहेंशन जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको एग्जाम में 8-9 मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली चैप्टर का आपको पता है उसकी स्टोरी का पता है आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है तो फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं. विदाउट रीडिंग टेक्स्ट बुक आपको आइडिया नहीं होगा कि ये पैराग्राफ कहाँ से आया है और उसका आंसर जो है किस तरीके से देना है और फिर आप उसमें से कन्फ्यूज हो जाएंगे. तो होपफुली जैसे जो जो हमने पैराग्राफ डिस्कस किए आपने उसको क्या करना है अपने रजिस्टर में पैराग्राफ को लिख लेना है. जो जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं हमने सॉल्व किए हुए हैं उसको आप सॉल्व करके एज इट इज़ जो है उसके क्वेश्चन आंसर भी याद कर लीजिएगा और उसके अलावा टेक्स्ट बुक पढ़िएगा उसमें आप देखिएगा और कौन कौन से पैराग्राफ हैं और जो जो आ सकते हैं तो उसकी भी आप अपने तरीके से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा. होपफुली आपको टॉपिक जो है समझ में आ.
तो इंशाल्लाह जो है आगे हम और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो है उसकी भी जो है गूगल क्लासरूम में टेस्ट वगैरह भी हम रखते रहेंगे, तो आपको टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।